नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल पाठक हूं। स्वागत है आपका टेक्नो पाठक फैमिली में। तो लेकर आ गया दोस्तों एक और जबरदस्त वीडियो, और ये वीडियो दोस्तों आप सबके मन में एक सवाल रहेगा उसके आंसर के लिए है। और सवाल क्या है दोस्तों, आप गेस कीजिए। सवाल ये है दोस्तों कि क्या हमें अभी 5G फोन लेना चाहिए या हमें अभी और रुकना चाहिए थोड़ा 5G फोन के लिए। मेरे हिसाब से दोस्तों मेरा आंसर रहेगा यस और नो भी। फिर आप बोलेंगे दोस्तों ये क्या, कोई एक आंसर बोलो, यस बोलो या फिर नो बोलो। लेकिन दोस्तों किस बहुत सारी चीज़ों का स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं रहता है बेसिकली स्मार्टफोन का दोस्तों, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार हर दिन दोस्तों कुछ ना कुछ नए फीचर के साथ स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं, इसलिए हमें कुछ टाइम और वेट करना चाहिए 5G फोन के लिए। दोस्तों मैं आप सभी को हमेशा बोलता हूँ, कोई फ़ोन लेने से पहले अपना आप रिक्वायरमेंट देखिए, आपको क्या चाहिए एक फ़ोन में, उसके बाद ही कोई फ़ोन बाय कीजिए। वैसे दोस्तों आप सब कुछ बताने वाला हूँ क्यों, लेकिन दोस्तों सबसे पहले अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए और ऑल पे कीजिए ताकि अगला वीडियो आपको तुरंत ही मिल जाए हमारे चैनल का। दोस्तों सबसे पहले आपको 5G क्यों लेना चाहिए और किन लोगों को 5G लेना चाहिए। मेरे हिसाब से दोस्तों उन लोग को भी 5G फोन लेना चाहिए जो ज़्यादा टाइम तक मोबाइल को यूज करते हैं, जैसे कि दोस्तों 2 या फिर 3 साल तक वो एक मोबाइल को यूज करते हैं, और ना कि उन लोग को लेना चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल या फिर 1.5 साल तक यूज करते हैं, उसके बाद मोबाइल चेंज कर देते हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से दोस्तों जो 5G है ना, उसको इंडिया में आने में अभी भी करीब 1 या 1.5 साल लगने वाला है। आपको क्या लगता है दोस्तों, आप नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों सबसे पहले कोई फ़ोन लेने से पहले आपको उसमें देखना है प्रोसेसर कौन सा है, कैमरा कैसा है, बैटरी कैसा है, क्योंकि ये चीज़ें दोस्तों लेने के बाद आप हर रोज़ इस्तेमाल करने वाले हैं, ना कि 5G इस्तेमाल करने वाले। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों अभी ये है, ना कि 5G इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट टाइम में। और ऑनेस्टली बोलता हूँ दोस्तों 2020 के स्टार्ट से लेकर एंड तक अभी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है दोस्तों। 5G फोन बहुत ज़्यादा सस्ते हो चुके हैं, और मेरे हिसाब से दोस्तों ये और भी ज़्यादा सस्ते होंगे और बहुत ज़्यादा सस्ते होंगे। अगर दोस्तों आप 4 से 6 महीना अगर वेट करते हो और 5G फोन्स के लिए, तो दोस्तों प्रेजेंट टाइम में आपको जो प्राइस में 4G फोन मिल रहे हैं ना, उसी प्राइस में आपको 5G फोन भी मिलना चालू हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब दोस्तों अभी आपको 15,000 तक 4G फोन मिल रहा है, लेकिन दोस्तों 4-6 महीना वेट करने के बाद वही फोन आपको 15,000 में दोस्तों आपको 5G फोन मिलना चालू हो जाएगा, मैं कन्फर्म बोलता हूँ। दोस्तों अगर 5G जल्दी आ भी गया तो, लेकिन आप जिस शहर में रहते हैं या फिर जिस गांव में रहते हो तुरंत ही आ जाएगा, नहीं ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों ये बड़े शहरों में आने वाला है, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, बेंगलोर हो गया, सब शहरों में दोस्तों पहले आएगा। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे इंडिया के बाकी शहरों में दिया जाएगा और गाँव में भेजा जाएगा, लेकिन इसको भी होने के लिए दोस्तों करीब 1 साल तो लग ही जाएगा मेरे हिसाब से। और एक बात पूछता हूँ आप सभी से दोस्तों, क्या जो 5G आएगा वो सस्ता रहेगा? बिल्कुल भी सस्ता नहीं रहेगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा महंगा रहने वाला है कंपेयर टू 4G के प्लान से। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो उसका स्टार्टिंग प्राइस रहेगा दोस्तों 5G का, वो 1,000 रुपये से तो स्टार्टिंग होगा। तो क्या दोस्तों आप 1,000 रुपया खर्चा करेंगे 5G के लिए, या फिर आप 4G यूज करने वाले हैं? आप नीचे मुझे कमेंट में जरूर बताइए। मेरा बस यही कहना है दोस्तों कि आप कुछ टाइम और रुक जाइए। प्रेजेंट टाइम में दोस्तों आपको 20-25 से 30,000 रुपया खर्च करना पड़ रहा है 5G फोन के लिए, बट अगर कुछ टाइम और रुक जाते हैं तो वही फ़ोन दोस्तों आपको 15 से 16 हज़ार रुपये में मिलना चालू हो जाएगा और नए नए फीचर्स के साथ आ जाएगा। प्रेजेंट टाइम में तो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों कि मेरे पास 5G फ़ोन होना ही चाहिए, मैं 5G यूज कर रहा हूँ, यूज़ तो दोस्तों 4G कर रहे ना, प्रेजेंट टाइम में 4G की ज़रूरत है ना, तो आप 4G फ़ोन ही ले सकते हैं। और दोस्तों कोई भी फ़ोन लेने से पहले तो आप उसमें ये मत देखिए 5G है कि नहीं, प्रेजेंट टाइम में आप देखिए दोस्तों कैमरा कैसा है उसका, प्रोसेसर कौन सा है, बैटरी कौन सा है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों अभी यही है। सो इस वीडियो में दोस्तों यही था, आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, आपके काम का रहेगा वीडियो। अगर दोस्तों आपको कोई फायदा हो रहेगा वीडियो तो अपने दोस्तों को और फैमिली को भी सेंड कीजिए ताकि उनको भी ये चीज़ें पता चल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।